अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड योर मैथ टीचर, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 158, चैप्टर 11, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इफ वी ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन फ्री हैंड, वी विल रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहें अपने हाथ से, तो ये एक मुश्किल काम है। इवन द बेस्ट आर्टिस्ट हैव ट्रबल स्केचिंग अ लाइन दैट इज परफेक्टली स्ट्रेट। इवन के बेस्ट आर्टिस्ट जो हैं, वो भी एक स्ट्रेट लाइन जो है हाथ से ड्रा नहीं करते, ये भी उनके लिए भी एक मुश्किल काम है। लाइन सेगमेंट इज एन एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल एलिमेंट। वी नीड द हेल्प ऑफ सर्टेन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट with a straight edge such as ruler and set squares to draw a straight line. Line segment भी एक geometrical element है जिसे draw करने के लिए हमें मुख्तलिफ instrument की मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि straight हो, जिनके edge straight हों, जैसे कि ruler and set squares. Once we know how to construct a line segment of a given length, we can proceed to draw geometrical figure of all shapes and size. एक दफ़ा अगर हम सीख जाएँ कि लाइन सेगमेंट और ये किस चीज़ किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो हम किसी भी शेप को, किसी भी साइज़ में किसी भी शेप को बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, अ ज्योमेट्री बॉक्स कंटेन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। एक ज्योमेट्री बॉक्स के सेट में ये जो फॉलोइंग जो गिवन नेम है, ये चीज़ें मौजूद होती हैं: रूलर, पेयर ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, डिवाइडर। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और क्या किस टाइप के ये होते हैं। फर्स्ट इज रूलर। अ रूलर इज़ यूज्ड टू ड्रा एंड मेजर लाइन सेगमेंट। रूलर किस लिए इस्तेमाल होता है? लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए और उसको मेजर करने के लिए, नापने के लिए। रूलर किस टाइप का होता है? ये देखिए, स्केल, जिसे हम स्केल भी कहते हैं, ठीक है। रूलर इज़ आल्सो यूज्ड टू ड्रा पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस को भी ड्रा करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑपोजिट साइड ऑफ अ रूलर आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम स्केल को देखें, तो अगर हम एक लाइन यहाँ बना दें और एक इसको रख के यहाँ, जब हम स्केल को हटाएंगे तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी एक दूसरे के। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल एट टू पॉइंट्स ऑन द एज जस्ट अक्रॉस ईच अदर एज शोन द बिलो। अगर हम दो पैरेलल लाइंस लगाएं स्केल से या रूलर से, तो अगर हम इनके दो एज को आपस में मिलाएं, तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे ए बी दो पॉइंट लिए हमने, इनको मिलाया, और सी डी, तो क्या है, ए बी का जो डिस्टेंस है सेम सी डी का भी वही होगा, ठीक है। इसी तरह सी डी का जो डिस्टेंस है वो ई एफ के इक्वल होगा। ये सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर सेमी सर्कल शेप्ड इज यूज टू ड्रा फॉर मेजर्ड एंगल। देखिए शेप में आपको कैसा, एक डी शेप की एक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए सर्कल, अगर इसको यहाँ पे एक बनाया जाए तो ये एक पूरा सर्कल बन जाए। तो ये किस शेप में है? सेमी सर्कल, मीन्स कि हाफ सर्कल है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? एंगल्स को बनाने और मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर। अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स ट्रायंगल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट। सेट स्क्वायर कैसे होते हैं? दो ये ट्रायंगल, तीन कोनों वाले ना शेप के हमारे पास दो होते हैं ज्योमेट्री में। आर यूज टू ड्रा एंगल्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। किस लिए इस्तेमाल होते हैं एंगल्स बनाने के लिए? पैरेलल लाइंस आपस में, पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, चाहे वो इस शेप में हो या इस शेप में हो। और परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर एक लाइन ऐसे है, इसके ऊपर जो ऐसे लाइन बनाई जाती है, अमूद जिसे कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन को कहते हैं। सेट स्क्वायर ए हैज़ थ्री एंगल्स 30, 60 एंड 90।
सेट स्क्वायर ए है, इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है स्ट्रेट लाइन, एक अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 60 डिग्री का एंगल है, और अगर इसे इस साइड से देखा जाए ऐसे करके, तो ये देखिए ये जो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का। इसी तरह ऑल्सो सेट स्क्वायर बी है 3 एंगल्स, ये जो सेट स्क्वायर बी है हमारे पास, इसका हमारे पास कौन से एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का, इसे इस साइड से देखा जाए तो ये है 45 डिग्री का एंगल, और अगर इसे रोटेट करके देखा जाए तो ये जो एंगल है हमारे पास 45 डिग्री का है। ए बी एंड डी ई आर पैरेलल लाइंस, अगर हम इन दोनों सेट स्क्वायर को रखें तो हमारे पास ए बी एंड डी ई, ए बी और डी ई जो है हमारे पास, ये दो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इन्हें कैसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट, ये देखिए लाइन सेगमेंट का निशान ये वाला, ए बी पैरेलल टू डी ई, पैरेलल लाइंस के लिए ये सिंबल यूज होता है मैथ्स में। इसी तरह ऑल्सो ई एफ एंड बी सी आर पैरेलल लाइंस, ये जो हमारे पास है बी सी और ई एफ, ये लाइंस के आपस में पैरेलल लाइंस हैं, इनके लिए भी ऐसे लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं, ये हो गई, ये भी एंगल हो गया, ये लाइंस के बारे में डिस्कस हो गई। ई एफ ई एफ इज अ परपेंडिकुलर टू एफ डी, मैंने अभी आपको बताया था ये लाइन हो उसके ऊपर अगर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो इस लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए एक लाइन सेगमेंट है एफ डी, उसके ऊपर ये लाइन आ रही है ई एफ, तो ये क्या है, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है एफ डी पे, तो परपेंडिकुलर के लिए कैसे साइन यूज होता है ये, ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए डबल लाइंस और परपेंडिकुलर के लिए ये साइन यूज होता है मैथ्स। इसी तरह इस फिगर में क्या है, सी ए पे परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी इज़ अ परपेंडिकुलर टू सी ए लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे भी उसे ऐसे ही लिखा हुआ है, बी सी जो लाइन सेगमेंट है बी सी वो परपेंडिकुलर है सी ए लाइन सेगमेंट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंपस, अ पेयर ऑफ कंपस अ वी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रा सर्कल एंड आर्क्स ऑफ डिफरेंट साइज, ये जो होता है ना हमारे पास ज्योमेट्री में इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, कंपस, ये किस लिए यूज होता है, सर्कल्स को ड्रा करने के लिए और आर्क्स को ड्रा करने के लिए, ठीक है। अब इस शेप का भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, डिवाइडर, अ डिवाइडर और अ पेयर ऑफ डिवाइडर ऑल्सो अ वी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, ये भी वी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आज यहाँ तक ये जो जितने भी हमने आज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं आपने अपनी नोटबुक पे नहीं लिखना है इनकी डेफिनेशन।